मैक्सेफ चार्जर के बारे में सुना है? एप्पल यूजर हो या ना हो, मैक्सेफ चार्जर के बारे में कुछ सुना ही होगा, क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी आई थी इन्होंने पूरा तहलका मचा दिया था। क्योंकि ये एक ऐसा चार्जर है जिसके ऊपर आपको सिर्फ अपने आईफोन को रख देना है, उसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल होती है जो अलाइन होती है आईफोन के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है उसके और उसके बीच के मतलब मैग्नेटिक कॉइल के हिसाब से वो उस पर रखते हैं। चार्जिंग स्पीड जो है आपकी वो 7.5 वॉट से 15 वॉट तक चली जाती है, सीधा दोगुना हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सेफ ने तो पूरा मचा दिया था जैसे ही वो आया था, लेकिन मैक्सेफ आपकी बैटरी हेल्थ के लिए या फिर आपकी इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो बैटरी के लिए ही बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैक्सेफ एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें मैं क्लेम करता हूँ तो आप क्या बोलोगे, पागल है? मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। देखो, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रिपोर्ट्स आई थी, क्या मैंने स्टडी किया है, मैंने भी कहीं से पढ़ाई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी राय। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या मैक्सेफ एक बेटर ऑप्शन है आपके फोन्स को चार्ज करने के लिए देन अ केबल। ठीक है, ये शॉकिंग वीडियो होने वाला है लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यार देखो, जो मैंने आपको बात बोली कि मैक्सेफ जो है आपके बैटरी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो वो कैसे कर सकता है? वो ओवरहीटिंग से कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई ओवरहीटिंग होगी जब भी आप फोन्स को चार्ज करते हो, चाहे वो केबल से ही क्यों ना चार्ज करो, आप फोन्स में हीटिंग बढ़ती है, बैटरी हीट होती है तभी वो फ़ोन चार्ज होता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोचो कि ये आपका फ़ोन है, ये मैक्सेफ है, आपका फ़ोन चार्ज कैसे होता है? ऐसे इतनी दूरी पे तो चार्ज नहीं होता है ना। आप ऐसे मैक्सेफ के ऊपर ऐसे फ़ोन रखते हो तभी आपका फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन जब आप ऐसे रख देते हो तो आपके फ़ोन और मैक्सेफ के बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं रह जाता है। ठीक है, तो जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ना वेंटिलेशन, यहाँ पे वेंटिलेशन वर्ड नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ बोल रहा हूँ, वेंटिलेशन। तो वहाँ पे एयर पास होने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो उसमें क्या होता है, आपका फ़ोन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हीट होता है। तो जब नॉर्मल से ज़्यादा हीट होता है तो जो आपके फ़ोन्स के कंपोनेंट हैं उन पे असर पड़ सकता है, आपकी बैटरी की लाइफ तो डिग्रेड होती ही होती है। आपका जैसे मैंने आपको अभी बताया भी कि जैसे ही मैग्नेटिक कॉइल अलाइन होती है उसके मैग्नेटिज्म के हिसाब से, तो आपका जो फ़ोन का स्पीड है वो चार्जिंग स्पीड 7.5 वॉट से जो पावर है वो 15 वॉट पे चली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में बोला जा रहा है। तो वही चीज़ें इस अलाइनमेंट के बाद क्या होता है कि आपकी जो इंक्रीज होता है पावर में, उसके बाद आपकी थर्मल सेंसिटिविटी के लिए कोई जगह नहीं बचती है मैक्सेफ और आईफोन के बिल्ट इन कॉम्पोनेंट्स। लेकिन फिर भी अगर आपको इस पे चार्ज करना ही है तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप उसको रेगुलर यूज़ ना करके, जब आपको आपका फ़ोन 50% से ज़्यादा डाउन हो गया है तो आप उसको थोड़ी देर चार्ज कर लो, और जरूर कोशिश ज़रूर ये करो कि आपका फ़ोन जब हीट हो, पहले से वो गर्म हो, तब आप उसको मैक्सेफ से चार्ज ना करिए, और तब आप उसको वैसे भी चार्ज मत करिए। बोला जाता है जब आपका फ़ोन हीट होता है तो उसको पहले कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए, उसके बाद ही चार्ज पे लगाना चाहिए। तो आप उसके बाद ही चार्ज पे लगाइए, और रात भर के लिए तो कभी मैक्सेफ यूज़ मत करिए, और ना ही मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ना ही आप केबल चार्ज को भी यूज़ कर केबल को भी यूज़ करिए एज अ चार्जर रात भर के लिए। जब भी आप चार्ज करिए उसको दिन में ही चार्ज करिए ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाएँ आप निकाल लें। रात भर के लिए नहीं करना चाहिए। फ़ोन्स में अब वैसे ये सुविधा आ गई है कि भाई उसमें इतनी स्मार्टनेस तो है फ़ोन्स में, अब स्मार्टफोन हो गए हैं, इतनी स्मार्टनेस तो है कि एक लेवल के बाद जाके वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब उसमें लगा रहता है लेकिन वो चार्ज नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि भाई उसको रात भर के लिए चार्ज पे नहीं लगाना चाहिए, इससे बैटरी लाइफ डिग्रेड होने के चांसेस हो सकते। अब मैं आखिरी में आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको आपके फ़ोन्स को, मतलब अगर आप अपने फ़ोन्स को मैक्सेफ से चार्ज करते भी हैं तो उनकी बैटरी हेल्थ कंडीशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आए, इसलिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका कि आप अगर कभी भी आईफोन 13 वगैरह यूज़ करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आईफोन 13 को बोलता हूँ, अगर आईफोन 13 यूज़ करते हो, क्योंकि आईफोन 11 में तो मेरे ख्याल से मैक्सेफ ऑप्शन भी नहीं है, आईफोन 12 13 14 में ही आता है, तो उसको यूज़ करते हो तो मैंने आपको जैसे बताया 50% से कम होता है तभी आप उसको यूज़ करिए, वरना आप नॉर्मल केबल यूज़ करेंगे तो एक बेहतर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।
रात के टाइम में उसको चार्ज मत करिए फोन वगैरह को, क्योंकि रात के टाइम में मैंने आपको सारी चीज बता दी कि वो ओवरहीटिंग के चांसेस हो सकते हैं, नहीं होते हैं लेकिन हो सकते हैं। मैक्सेफ आप लेते भी हैं तो एप्पल का ही लीजिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वो बना तो लेती हैं लेकिन जिस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए आईफोन एप्पल ने आईफोन को बनाया है उस हिसाब से ही मैक्सेफ को भी डिजाइन किया गया है। तो मैक्सेफ अगर आप एप्पल का ही लेते हो तो वो आपको बेहतर मिलेगा, वरना आपके फोन की बैटरी लाइफ काफी डिग्रेड होगी। बैटरी लाइफ को हमेशा चेक करते रहिए, बैटरी लाइफ आपकी जो बैटरी हेल्थ कंडीशन है, सेटिंग में जाके बैटरी में जाके आप हेल्थ कंडीशन चेक कर सकते हो, वो आप उस पर नज़र बनाए रखिए, वो ज़्यादा नीचे ना जाए, 70% से नीचे तो बिल्कुल ना जाए। अगर आपकी 90-100 है तो बहुत अच्छा है, 80-90 है तो आप थोड़ा सा हिसाब से यूज़ करिए, है ना, ओवर चार्जिंग मत करिए, फ़ोन को चार्ज पे लगा के यूज़ मत करिए, ये बहुत गलत करते हैं लोग। और 70-80 है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे नीचे जाना चालू कर देगा तो आपके फ़ोन की हेल्थ कंडीशन मतलब उसकी बैंड बच गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।